69 में एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए पढ़ाई का माहौल है, एक महीने बाद यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आने वाली है, तो ऑलमोस्ट सारे ही स्टूडेंट पढ़ाई में बिजी हैं। सर्दियों का मौसम है तो यहाँ पर देखिए हीटर भी चल रहा है सर्दियों के मौसम में। ये हमारे एक बैचमेट हैं जो इस रूम में रहते हैं, तो हम इनसे ही बात करेंगे कि सर थोड़ा यहाँ आइए सर, हम लोग इनसे ही बात करेंगे कि इनको हॉस्टल में अपना रूम अरेंज कर रखा है, क्या चीज़ इनको गवर्नमेंट ने दी है, क्या चीज़ हॉस्टल मैनेजमेंट ने दी है और क्या इन्होंने खुद से खरीदी है। सो ओवर टू सर। सर सर बताइए सर अपने रूम को थोड़ा सा। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो ये टेबल, ये कुर्सी, चेयर, टेबल पर देखो, टेबल भी हॉस्टल से मिला, हॉस्टल वाले ने अरेंज किया है, कमरा उनका था, टेबल तो ऑफकोर्स उन्हीं का होगा। और ये केटर जो कि सब सोच रहे होंगे मैं अपने घर से लाया हूँ, नहीं, ये भी हॉस्टल से ही प्रोवाइड की गई है। ये केटल हो गई, बुक्स हम सीनियर से लेते हैं, ये हॉस्टल का बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हमें बुक्स खरीदनी नहीं पड़ती हैं, हम सीनियर से ले लेते हैं। उसके बाद पानी की बोतल मेरी है, ये बोन सेट हमारे हॉस्टल में जो डिपार्टमेंट बने हुए, हमारे हॉस्टल का जो एनेटमी डिपार्टमेंट है उसने ये बोन सेट प्रोवाइड करवाता है, मतलब एक तरह से सीनियर का ही होता है। तो सर आप लोग बताइए सर कि ये सब जो महंगी महंगी चीज़ें हैं, बोन सेट बहुत महंगा आता है 5-6 हज़ार रुपये का, तो क्या आपको ये खरीदना नहीं पड़ा सर? पूरे पैसे बचा। नहीं देखो ये हमें खरीदा कुछ नहीं, और इंटरेक्शन में देखो अब ये सब प्रोवाइड किया है, मतलब ये नहीं कि हम खरीद नहीं सकते, हमारी आदत कमजोर, खरीद सब सकते हैं, तो ऐसा है ये सब प्रोवाइड किया गया हमें, अब मिलता तो सब लेते ही हैं। उसके yes, बाद आप देखें ये टेबल, ये भी हॉस्टल से ही मिली है हमें, ये बुक्स करती हैं, ये मेरा रूममेट। तो सर ये वाली जो टेबल है वो हॉस्टल मैनेजमेंट ने दी, आपको सीनियर्स ने दी है? मेरी है, मेरी, ये सीनियर्स ने दी है, हॉस्टल मैनेजमेंट तो वो दी थी बड़ी वाली। यस yes, सर। हाँ ये सीनियर्स ने दी है, ये मेरा रूममेट है, ये मतलब हमारे हॉस्टल का बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट लौंडा है। यस सर। ये आर्मी में जानकर करना था, तो वो अभी थोड़ा कैमरा गिर गया था तो थोड़ा दिक्कत आई होगी। स्टार्ट। देखो ये बेड, देखो कितना बढ़िया बेड है, ये बेड हॉस्टल में ही बनते हैं, वहाँ से मैं प्रोवाइड किए। देखो इसमें जगह भी है, जैसे अभी हमें सर्दी चल रही है, जिस समय सर्दी चल रही है तो हमने ये कंबल निकाल रखे, गर्मी आएंगे तो हम ये कंबल कहाँ रखेंगे, ठीक है। और देखो एक और टेबल है, ये सब सीनियर से ले लेते हैं, वो दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती है उन्होंने, मेरा बेटा मतलब, ये बस ये बिस्, ये हीटर भी सर्दियों में हमें हॉस्टल से मिला है। अरे देखो ये हीटर भी हमें हॉस्टल से मिला है। अब आप सोच रहे होंगे वो केटल हीटर इतना सब चीज़, हाँ तो ऐसा है कि हम इलेक्ट्रिसिटी कितनी भी यूज़ कर सकते हैं, हमें इलेक्ट्रिसिटी की कोई पाबंदी नहीं है हॉस्टल में। और तो आपने सब देख लिया, तो मन में रहिए, देखो बालकनी, हर कमरे में कैसी छोटी सी बालकनी है जिसमें हम कपड़े सुखा सकते हैं, धूप भी आती है धूप भी सेक सकते हैं, जैसे हमने रस्सी लगाई है। और सबसे मेन काम जो इस बालकनी का है वो कपड़े धोने, हम यहाँ पे कपड़े धोने। यहाँ से व्यू इंदौर सिटी का व्यू दिखाई देता है, देखो इंदौर कितना साफ है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर वीडियो, बने रहिए हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौरी मेडिकल।